सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाइफा स्टडी पर। दोस्तों, आज की जो हम इंग्लिश क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हम लोग टेंस को पढ़ेंगे, ठीक। मैंने आपसे पूछा भी था कि आपको क्या टॉपिक पढ़ाया जाए, तो उसमें से कुछ बच्चों ने कहा था कि सर एक्टिव पैसिव पढ़ाया जाए और कुछ बच्चों ने कहा था कि टेंस पढ़ाया जाए। तो जो एक्टिव पैसिव कहे थे तो उनको बेटा समझा दूं, अगर जब तक आप पहले टेंस नहीं पढ़ेंगे तो ना तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आएगा और ना ही आपको एक्टिव पैसिव समझ में आएगा। तो टेंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 या 5 दिन में टेंस का मेरा टॉपिक एकदम से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को। देखिए, हमने कल आपको टेंस के बारे में थोड़ा सा बताया था ना। टेंस को हिंदी में कहते क्या है? काल कहते हैं। टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग काल। अब मैंने बताया था कि टेंस होता क्या है। अगर आपसे कोई टेंस की डिफिनेशन पूछे तब आप क्या बताओगे? कि इंग्लिश ग्रामर का वह रूल, अंग्रेजी ग्रामर का वह रूल जो कितने समय में कौन सा काम चल रहा है यह बताता है हमारा क्या टेंस। क्या बताओगे आप? कि अंग्रेजी ग्रामर का वह रूल जो कितने समय में कौन सा कार्य चल रहा है यह मेरा बच्चा लोग टेंस बताते हैं। क्लियर हो गया ना? अब मैंने बताया था टेंस को हमेशा 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक कौन सा बताया था? एक मैंने बताया था आपको टाइम। देखिए, पहले बेस समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, इसलिए आपको बेस से बता रहा हूँ। अब बिल्कुल आपको एकदम अच्छे मन से पढ़ना है, क्योंकि 70% आप यहीं से ही इंग्लिश सीखोगे। समझ रहे हो ना बातों को? 70% आप इंग्लिश बेटा यहीं से सीखोगे, तो बहुत अच्छे से और प्रॉपर। अब आपको इंग्लिश की क्लास तो बिल्कुल भी मिस ही नहीं करना है, ठीक। इंग्लिश की क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, डेली का डेली क्लासों को अटेंड करना है। अदरवाइज आप अगर एक भी क्लास छोड़ोगे तो आप एकदम से टॉपिक से हट जाओगे, ठीक। देखिए, पहला मेरा आता है टाइम और बेटा दूसरा मेरा क्या आता है? वर्क। क्लियर? अब परिभाषा क्या मैंने अभी बताया? देखिए, जो परिभाषा बताया वही लिखा कि जो टेंस होते हैं वो बताते हैं कि कितने समय में कौन सा कार्य चल रहा है या चल रहा होगा, यही मेरा टेंस बताता है। मैंने टाइम को बताया था कि टाइम मेरा कितने टाइप से हो सकता है, टाइम मेरा कितने प्रकार से हो सकता है। तो आप बताओगे सर मेरा समय 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे? एक मैंने आपसे कहा आप 10 साल पहले पैदा हुए थे, मैंने कह दिया आप 10 साल पहले पैदा हुए थे, तो वो आपका हो गया पास्ट यानी कि भूतकाल। और मैंने कहा कि आप इस समय 20 साल के हो, तो इस समय जो आपकी बात हो गई वो बेटा हो गई आपकी वर्तमान। उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि आप 25 साल के हो जाओगे, आप 5 साल बाद 25 साल के हो जाओगे, तो जब 25 साल जो आपका कह रहा वो आपका हो जाएगा भविष्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पहला जो आपका आता है वो होता है पास्ट, दूसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट, तीसरा आपका आता है फ्यूचर, तीसरा आता है फ्यूचर। देखिए, कहीं कहीं स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाएगी तो आप ये मत समझना कि सर हमें गलत पढ़ा रहे हैं। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अगर थोड़ा हम जल्दी कर देंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक। तो इसमें आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, केवल मेरी आवाज़ को सुन लेना, आप लोग ऐसे ही सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक। पहला है पास्ट, फिर प्रेजेंट और फिर मेरा फ्यूचर। पास्ट को भैया हम लोग कहते हैं भविष्य, सॉरी पास्ट को कहते हैं भूतकाल, और प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान, फ्यूचर को क्या कहते हैं हम लोग भैया? भविष्य। क्लियर? फ्यूचर को क्या कहते हैं हम लोग? भविष्य। इतना तो मैंने आपको पढ़ाया ही था। उसके बाद मैंने कार्य बताया था, कार्य कितने प्रकार से हो सकता है। एक कार्य ऐसा होगा जो आपको ज्ञात नहीं होगा कि आप कर रहे हो या करोगे, वो कार्य आपको ज्ञात नहीं होता है। अच्छा, एक शब्द आता है डेफिनेटली। डेफिनेटली आप कहोगे कि मैं डेफिनेटली ये काम कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली परीक्षा क्रैक कर सकता हूँ। समझ रहे हो ना? डेफिनेटली का मतलब क्या होता है? पक्का। क्या होता है? पक्का। वही डेफिनेटली के पहले एक शब्द मेरा लग जाता है इन, लग जाता है इन, जिसको बोलते हैं इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट जो मेरा होता है भैया वो होता है आपका एक प्रकार का वर्क। इनडेफिनेट में क्या होता है कि पक्का नहीं होता, ना तो हमें ज्ञात होगा कि कार्य कर रहा हूँ और ना मेरे को ज्ञात होगा कि काम मैं करूँगा। क्लियर? और एक मेरा आता है कॉन्टिन्यूअस।
एक मेरा आता है कॉन्टिन्यूअस, इसको क्या कहते हैं? देखिए कॉन्टिन्यूअस बहुत शब्द प्रयोग होता है, लोग कहते हैं नहीं भाई कंटिन्यू करो, भाई अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। अगर हम पिक्चर या कोई वीडियो देख रहे हैं अगर उसको प्यूज किए हैं तो कुछ समय बाद लोग कहते हैं कि भाई इस वीडियो को कंटिन्यू करो, मतलब चल रहा हो, चलाओ। तो जो काम चल रहा होता है उसे बच्चा लोग अपन लोग कंटिन्यू कहते हैं, समझ गए। और तीसरा आता है तुम्हारा परफेक्ट, तीसरा क्या आता है? परफेक्ट। ठीक, परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा वर्क जिसमें कोई कमी ही ना हो, जिसमें कोई कमी रह ही नहीं गई हो, वो बेटा मेरा परफेक्ट कहलाता है, समझ गए। उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो एकदम मस्त हो गया होगा, समझ गए। और चौथा आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब पक्का और कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा है। ऐसा कार्य एक हो आएगा आपकी लाइफ में, आपके सेंटेंसों में, जो पक्का भी होगा और जो चल भी रहा होगा, समझ गए। अभी एक एक करके टेंस को पढ़ने वाले हैं, कब आपके समझ में एकदम विध्वस्त से आ जाएगा, अभी आप लोग यहाँ पर ये समझ लीजिए। अब यहाँ से कभी कभी शॉर्ट में दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं क्या, अगर आपसे कोई पूछेगा कि समय के हिसाब से मेरे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैंने पूछा समय के हिसाब से मेरे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे सर तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, समझ गए। अगर मैं पूछूंगा कार्य के हिसाब से टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बताओगे चार प्रकार के, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अब आपसे पूछूंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बताओगे टेंस 12 प्रकार के होते हैं, कौन से? देखिए ये जो चारों होंगे ये तुम्हारे बच्चा प्रेजेंट के भी चारों होंगे, यानी कि प्रेजेंट के भी चारों होंगे। कैसे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार बन गए मेरे किसके? ये चार बन गए मेरे पास्ट के, पास्ट के चार हो गए। अब बात करूंगा मैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के जिस प्रकार से पास्ट के बने ठीक उसी प्रकार के प्रेजेंट के बनेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के कितने बने? चार। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर के भी बच्चा मेरे कितने बन जाएंगे? वो भी बन जाएंगे चार। तो चार 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 कितने हो गए? 12। टेंस आपके कितने होते हैं? 12। लेकिन कब? जब दोनों को टाइम एंड वर्क को मिला के टेंस मेरे 12 प्रकार के होते हैं, टाइम के हिसाब से टेंस मेरे 3 प्रकार के होते हैं, वर्क के हिसाब से टेंस मेरे 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर? चलिए अब एक एक टेंसों को शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टेंस जो मेरा होगा वो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या होगा बेटा मेरा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्लियर? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे अपना पहला टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए हर चीज़ आपको बताई जाएगी, हर वो चीज़ बेटा आपको बताई जाएगी जो आपके दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लेना है। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और एक काम ज़रूर कर देना आप लोग कि वीडियो को शेयर कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि अगर आपकी वजह से किसी का भला होता है तो आप लोग उसके लिए भगवान माने जाओगे। ठीक है ना? कैसे? अगर कोई बंदा बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो आपके साथ स्टडी करता है, तो आप क्या करोगे? ये वीडियो उसके पास शेयर कर देना, वो भी आके पढ़ाई कर सकता है, साथ में उसको भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो बेटा मेरा आता है वो होता है प्रेजेंट इनडिफिनिट, इनडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। देखिए अब प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और इनडिफिनिट का मतलब पक्का नहीं होगा। इसमें उस टाइप की बातें आएंगी जो वर्तमान समय में चल तो नहीं होंगी लेकिन वो पक्का नहीं होंगी। भाई इनडिफिनिट का मतलब बताया पक्का नहीं होता है, और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान।
तो कोई कार्य वर्तमान समय में ऐसा होगा जो पक्का नहीं होगा। क्लियर, ये बात हो गई समझने वाली। अब रटना चाहते हो तो रटने वाली बात देख लो। मेरी इस टेंस की पहचान क्या होती है, मेरे इस टेंस की पहचान क्या होती है, तो का है, ती है, का हूँ, ETC। क्या वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या अगर वाक्य के अंत में, अगर किसी भी वाक्य के अंत में आपको मिले क्या ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया एक, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब ये देखो वाक्य के अंत की बात करना, देखिए क्या आ गया, ते हो आ गया। अगर आपने रटा है, रट रखा है, तो आप समझ जाओगे ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर ना। ऐसे मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिख दिया, राम सोता है, राम सोता है। अब इसमें देखोगे तो वाक्य अंत में आ रहा ता है, अगर जिस वाक्य अंत में ता है आएगा तो वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्लियर, क्लियर। ये बेटा हो गई मेरी रटने वाली बात, मैंने आपको बताया समझने वाली बात, उसके बाद बताया आपको रटने वाली बात। अब मैं आपको बताऊंगा इस टेंस की आत्मा, अब मैं आपको इस टेंस की आत्मा बताऊंगा कि आप अगर रट नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते, तो आप उसकी आत्मा को छू लेना, आप उसकी आत्मा को छू लेना, आपकी समझ में आ जाएगा कौन सा टेंस है। क्लियर। देखिए मैंने क्या बताया था कि जो इनडिफिनिट होगा उसका मतलब क्या होगा, ना तो वो कार्य पूरा हो चुका होगा, ना तो वो कार्य चल रहा होगा। कहने का मतलब ना तो हमें ज्ञात नहीं होगा वो कार्य क्या है। भाई अगर इस टेंस को आप सही से पढ़ो, क्या लिखा, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो ना, मैंने कह दिया तुम पढ़ते हो। अब क्या पता आप तुम प्रेजेंट में पढ़ रहे हो, या पता आप पढ़ रहे थे, या तुम पढ़ोगे, कुछ भी ज्ञात नहीं, मैंने ऐसे ऑन स्पॉट कह दिया तुम पढ़ते हो। सेकंड मैंने कह दिया राम सोता है, तो हो सकता है राम सो चुका था, या हो सकता है राम सोएगा, या हो सकता है राम सो रहा है, कुछ भी ज्ञात नहीं, सिंपल मेथड में मैंने बोला राम सोता है। क्लियर। तो जहाँ पर हमको क्लियर नहीं होता है कि वो काम कैसा चल रहा, चलेगा या चल रहा है, वो बेटा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा होगा तो जब अभी रूल से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तब आपको एकदम से गर्दा उड़ा दोगे। समझ में आ गया ना। चलिए फिर पहला सो देखते हैं मेरा रूल क्या होता ना, उसके पहले थोड़ा मैं आपको एक बताऊंगा कहानी, स्टोरी, तो आप लोग वो स्टोरी समझ लेना, ठीक, वो स्टोरी समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा कि एक बार, क्या कहा, एक बार कहीं एक दूर स्थान पर पिकनिक हो रही थी, एक दूर स्थान पर पिकनिक हो रही थी, वहाँ पर कई स्कूलों के बच्चे गए हुए थे, तो वहाँ पर आपके स्कूल के भी बच्चे गए, तो जो हुआ आपके जो टीचर लोग हैं आप उन बच्चों में खो गए, तो आपके टीचर लोग आपको पहचानेंगे कैसे, भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, इतने सारे बच्चे वो कैसे पहचानेंगे कौन सा बच्चा मेरे स्कूल का है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने स्कूल के बच्चों को लाल जैकेट पहना दिया, अपने स्कूल के बच्चों को लाल जैकेट पहना दिया, और जो दूसरे स्कूल के बच्चे थे उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को पीला जैकेट पहना दिया। ऐसे एक और स्कूल निकल गया जिसको उन्होंने नीला जैकेट पहना दिया। अब जिस स्कूल ने जो जैकेट पहनाया, अगर लाल आपके स्कूल के आचार्यों ने या टीचरों ने आपको लाल जैकेट पहनाया, तो जहाँ पर लाल जैकेट देखेंगे वो समझ जाएंगे ये मेरे स्कूल का बच्चा है, और जिस स्कूल के टीचरों ने अपने बच्चों को पीली जैकेट पहनाई है वो समझ जाएंगे, पीली जैकेट देखकर दूर से ही देखेंगे वो, देखो पीले जैकेट, समझ जाएंगे ये मेरे स्कूल का स्टूडेंट है। ऐसे ही क्रम नीले वाले में लगा रहेगा। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा, इस कहानी से मैंने क्या सीखा कि प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग ही होती है, जैसा कि मैंने सेंटेंसों में बता रखा था। हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपनी अलग होती है।
ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बेटा मेरी डू या डज होती है। अगर मैं चाहूँ तो आपको सभी हेल्पिंग वर्ब एक ही बार में बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं जो टेंस पढ़ूँगा उसी की हेल्पिंग वर्ब बताऊँगा, नहीं तो आपके दिमाग में सब खिचड़ी बन जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर? एक एक टेंस पढ़ेंगे, एक एक टेंस पढ़ेंगे और एक एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको बताऊंगा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग। जैकेट वाली कहानी अगर याद रखोगे तो हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा से याद रखोगे। ठीक, देखिए जो प्रेजेंट टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं एक एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग नोट बना सकें। जो प्रेजेंट टेंस की हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो भैया मेरी होती है डू और होती है डज। क्या होती है? डू और डज। अब डू का प्रयोग और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? देखिए डज का प्रयोग हमेशा कहाँ करेंगे? थर्ड पर्सन हिंदी में लिख दें, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ, थर्ड पर्सन एक वचनकर्ता के साथ। अब एक वचनकर्ता तो आपको पता होगा, लेकिन थर्ड पर्सन क्या है? एक वचन करता जहाँ पर एक वस्तु होती है वो एक वचन होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है? देखिए इंग्लिश में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है जो हम अपनी बात करते हैं, वो मेरा फर्स्ट पर्सन होता है। यहीं से समझ लो, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पर्सन होता है पीपी, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। समझ गए? देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, हम खुद की बात करते हैं, खुद की बात। जैसे मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं लेटता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो ये सब मेरे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन मैं जिससे बात कर रहा हूँ। अब मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों से, तो आप लोग क्या हो जाओगे? सेकंड पर्सन। जैसे तुम टेंस पढ़ते हो, तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हो, तुमने सेंटेंस पढ़ा है, तुमने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, तो ये मेरा हो जाएगा सेकंड पर्सन। अगर इसको हम ऐसे समझें तो सेकंड पर्सन वो होगा जिससे हम लोग ऑन स्पॉट बात कर सकते हैं। अब बात आती है मेरी थर्ड पर्सन की, ये थर्ड पर्सन क्या है? तो थर्ड पर्सन का मतलब होता है जो ना मैं हूँ ना आप हो, कोई तीसरा है। जैसे मैंने कह दिया क्या कि राम अयोध्या के राजा थे, मैंने कहा राम अयोध्या के राजा थे। अब यार ना मैं जो बता रहा हूँ, ना मैं राम हूँ, ना आप अयोध्या के राजा यानी कि आप राम हैं, राम कोई तीसरा है। तो जो तीसरा होता है वो मेरा क्या होता है? थर्ड पर्सन। जैसे मैंने कहा इस वीडियो को सपोज कर लिया, मैंने कोई एक बंदा नहीं देख रहा है जिसका नाम श्याम है, कोई एक बंदा नहीं देख रहा है जिसका नाम श्याम है, तो मैंने आपसे कहा यार श्याम पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, मैंने आपसे कहा श्याम पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, तो श्याम ना तो कहने वाला है, तो श्याम ना तो सुनने वाला है, श्याम कोई तीसरा है। तो जो तीसरा होता है वो मेरा थर्ड पर्सन होता है। समझ गए ना क्या होता है? मेरा थर्ड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल तो आपको पता होगा, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। जैसे मैं कह दूं कि लड़कियां खेलती हैं, मैंने आपसे कहा लड़कियां खेलती हैं, तो लड़कियां थर्ड पर्सन तो हुई बच्चा, वो दूर खेलती हैं, बट लड़कियां एक से ज़्यादा हैं, ग्रुप में हैं, तो वहाँ पर मेरा क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा, अर्थात वहाँ पर बहुवचन होगा, होगा ना? तो फिर इसी बात पे लाइक ठोको बेटा, लाइक ठोको। अब बात इतना क्लियर क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलिए एक बार रिवाइज कराते हैं आपको। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकेंड पर्सन तुम, थर्ड पर्सन कोई और होगा, कोई यार यहाँ नहीं होगा बस, या यूँ समझे थर्ड पर्सन ना तो कहने वाला और ना तो सुनने वाला, कोई तीसरा ही होगा। क्लियर? फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। तो जो यहाँ पर डज लगेगा, डज हमेशा एक वचनकर्ता और किसी तीसरे बंदे के लिए लगेगा, एक वचनकर्ता के साथ और कोई तीसरा बंदा होगा, जैसे वह सो रहा था। क्लियर? तो ये हो जाएंगे मेरे थर्ड पर्सन और इसी के साथ हम लोग लगाते हैं। ठीक,
चलिए अब रूल हम लोग पढ़ते हैं, अब रूल पढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया ना डू डज का। अब बाकी डू नहीं बताया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, बाकी कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए बेटा वहाँ पर डू का प्रयोग करते हैं। क्लियर, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस, बस शॉर्ट में लिखें, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो मेरा रूल होता है, रूल वो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को कहते क्या है, आपको बताया था, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। यही तो कहते हैं, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका जो बनाने का रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। थोड़ा यहाँ से छूट गया, क्या छूट गया अभी बता रहे हैं, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग यस या ई एस का प्रयोग करते हैं, लास्ट में मेरा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये होता है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। क्लियर, ये क्या होता है रूल। अब यहाँ से रूल समझ लो थोड़ा, रूल सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में काम करेगा, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, जो सेंटेंस में काम करेगा वही मेरा क्या होता है सब्जेक्ट। और मेन वर्ब का मतलब होता है क्रिया, अर्थात कौन सा कार्य हो रहा है वो मेरा हो जाएगा क्रिया। ई एस या ई एस ये कहाँ लगता है मैं आपको अभी बताऊंगा। वैसे मैं आपको इसके ऊपर एक स्प्रिट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, ये बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, ठीक। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम होता है वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर आपने इतना पढ़ा है तब आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए, एक आइडिया आना चाहिए, क्या कि सर इसमें तो यार हेल्पिंग वर्ब कहीं लगी ही नहीं है, देखो डू डज कहीं है नहीं है ना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए पढ़ने वाले बच्चों की आदत क्या होती है, आदत क्या होती है, वो टीचरों को परेशान करते हैं। आप भी परेशान करिए, आप पूछिए, एक एक पॉइंट पूछिए, छोटा छोटा पॉइंट पूछिए, वही होती है असली विद्यार्थियों की पहचान। ये थोड़ी नहीं कि टीचर आए गलत पढ़ा दे आप पढ़ लीजिए, मैं आऊँ आपको जो मेरे मन में है वो मैं पढ़ा दूँ आप पढ़ लीजिए, क्यों नहीं यार, आपको समझना है, आपको हर एक पॉइंट समझना। अगर मैं कहीं गलत बता रहा हूँ तो आपको बताना कि सर यहाँ पर आपने कुछ गलत बताया है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, हर एक चीज़ समझना है, तभी आप समझ पाओगे। समझ गए ना। अब सुनो, मैंने यहाँ डू डज क्यों नहीं लगाया, मैंने डू डज का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैंने डू डज का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना लग कर वहाँ पर एस या ई एस लगती है मुख्य क्रिया के साथ। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, आपको काम आएगा। एक और आगे आता है, एक और टेंस आता है जहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बताऊँगा आगे पहुँचेंगे तो बताऊँगा, इसको समझेंगे एक बार। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगती, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना लगकर मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। समझ गए ना, समझ गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना एक एक एग्जाम्पल और उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसके बाद गर्दा उड़ाएंगे सीधा, ये समझ में आ जाएगा, तब तो एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, रॉकेट बन जाएगा मेरा सेंटेंस। हाँ चलिए पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, पहला एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं क्या, मैं पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ ना, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब सेंटेंस देखिए, पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आप सेंटेंस देखो, दिमाग में आइडिया आए कौन सा टेंस है, ठीक, टेंस सेंटेंस देखो, दिमाग में आइडिया आए कौन सा टेंस है। अब तीनों ट्रिक लगाओ, पहली ट्रिक अगर आप समझे तो ठीक,
नहीं समझे, चलिए ठीक, रटे हैं आप तो देखिए क्या वाक्य के अंत में ता है आ रहा है, ता है आ रहा, तब समझ जाओगे कि ता है आ रहा है, ये मेरा पक्का प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। अगर आप नहीं समझे हो, अगर आपने इसकी आत्मा को छुआ है, आप इसकी आत्मा को टच करके आए हो, तब आपकी समझ में क्या आएगा कि सर इसमें तो हमको बता रहा कि पढ़ता है, अब ये नहीं बता रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ कि पढ़ूंगा कि पढ़े थे, तो पक्का है नहीं तो मेरा हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्लियर, बोलो क्लियर। अब देखिए सबसे पहले बेटा मेरा क्या आता है, सब्जेक्ट, बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले मेरा क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें है क्या, इसमें कौन कार्य कर रहा है, इसमें मैं कार्य कर रहा हूँ ना, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं हो जाएगा। मैं की इंग्लिश क्या होती है, तो होती है तुम्हारी आई, क्या होती है आई। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें काम क्या हो रहा है तुम्हारा, पढ़ने का हो रहा ना, पढ़ने का काम हो रहा, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, आर ई ए डी, रीड, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, और क्या रीड, बुक, आ बुक, आई रीड द बुक। अब बताओ सही है क्या, ये मेरा सेंटेंस सही है, हमको तो सही लग रहा है, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो बताओ क्यों, आपके दिमाग में हर वो क्वेश्चन आना चाहिए। अब आप सोचो कि यार सर ने यहाँ पर ई एस या आई एस नहीं लगाया है, सोचो कि सर ने यहाँ पर ई एस या आई एस नहीं लिखा है, बल्कि हमारा रूल में तो भैया दिया गया, तो बिल्कुल करेक्ट बात सोच रहे हो बेटा, अगर ऐसा आप सोच रहे हो। मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने बताया था ई एस या आई एस वहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर जहाँ होगा वहाँ पर मेरा ई एस या आई एस लगता है, वहीं पर मेरा डज भी लगता है, समझ गए, जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा वहाँ पर मेरा ई एस भी लगेगा, आई एस भी लगेगा, यस भी लगेगा, और बच्चा मेरा डज भी लगेगा। क्लियर, तो मैंने क्या बनाया, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। क्लियर, बोलो समझ में आया, समझ में आया ना। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं और अपने कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, उसको साफ हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए आपके सामने तीन एग्जाम्पल मैंने लिखा है और तीन एग्जाम्पल में आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस सीखने वाले हो, केवल तीन एग्जाम्पल। ठीक, देखिए सबसे पहला लिखा है आपका तुम घर जाते हो, सेकंड है आपका वे फुटबॉल खेलते हैं, थर्ड है आपका वह घर जाता है। अब देखिए एक मैं आपसे एक बात बताऊं जो रियल बात है, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप 12 सेंटेंसों के रूल याद करिए, आप प्रेजेंट के चार रूल याद कर लीजिए बस, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, बाकी रूल ना याद करिए। अगर याद करना है तो हेल्पिंग वर्ब याद करिए बस, क्योंकि जो चेंज होता है वो हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी कार्य तो चेंज हो, किसी में तुम पढ़ रहे होगे, किसी में खा रहे होगे, किसी में सो रहे होगे, तो कार्य मेरा चेंज होता रहता है। ठीक, देखिए अब रूल अगर नहीं पता है तो चलिए एक बार और रूल लिखे दे रहे हैं, इस तरफ लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले मेरा आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या एस लगता है, उसके बाद में आता है मेरा ऑब्जेक्ट, यही तो मेरा रूल होता है, नोट कर लेना भैया, रूल इम्पॉर्टेंट है, रूल नोट कर लेना। अब बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, जी जी सब्जेक्ट, हाँ जी सब्जेक्ट मेरा तुम है, और तुम के साथ हम लोग तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, यू बना रहा हूँ इसको यू। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, कार्य कौन सा हो रहा, जाने का, और जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, यू गो, कहाँ गो, होम, टू होम। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये टू क्यों लगा दिया यहाँ पर, टू क्यों लगा दिया, तो समझो बेटा टू मेरा होता है प्रीपोजिशन, ये लगता है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो अभी आप में प्रीपोजिशन का टॉपिक है, प्रीपोजिशन बहुत होते हैं, लाखों होते हैं प्रीपोजिशन, हमको पढ़ना इतना है जो हमारे यूज में हो, आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन न ले, कहाँ टू लगेगा, कहाँ इन लगेगा, कहाँ ऑन लगेगा, सब बताया जाएगा। ठीक, आप यहाँ पहले समझिए, अब यहाँ पर आपके दिमाग में फिर से वही क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने गो के साथ एस या एस क्यों नहीं लगाया, तो बट्टा बताओ बेटा मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने देखा यू था, और यू होता क्या मेरा सेकेंड पर्सन, मैंने बताया क्या
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सॉरी हाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग एस या एस या डज लगाते हैं। समझ में आया? बिल्कुल। अब ये करके बताइए, ये करके बताओ। देखिए कैसे लिख रहा हूँ, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो वे की इंग्लिश होती है दे, दे है तो होती है, और फिर मेन वर्ब आएगा खेलना, खेलने का अंग्रेजी बच्चा क्या होती है, वो होती है प्ले, दे प्ले। फुटबॉल की अंग्रेजी भैया फुटबॉल ही होती है, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ कहोगे सर यहाँ तो यार वे, वे कोई होगा वे, ये तो थर्ड पर्सन था। जी बिल्कुल था थर्ड पर्सन, मैं भी कह रहा हूँ थर्ड पर्सन, लेकिन बेटा ये थर्ड पर्सन तो था, सिंगुलर नहीं था, कहने का मतलब एक वचन नहीं था। तो जब कभी थर्ड पर्सन एक वचन होगा तभी मेरा यस या ईएस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगा सकते। अब आप कमन लगाओगे तो वो ऐसे और ऐसे काट दिया जाएगा, वहाँ पर लगेगा नहीं। क्लियर है ना एकदम? देखिए हर बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, आप भूलो नहीं, ठीक। इसीलिए मैं आपको हर चीज़ बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया इतना? क्या दे प्ले फुटबॉल बन के अब थर्ड बनाएंगे, थर्ड वह घर जाता है। अब वहाँ पर वह की इंग्लिश क्या होती है भैया? सब्जेक्ट वह है, सब्जेक्ट वह है, तो सब्जेक्ट वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। फिर जाना, क्योंकि मेन वर्ब कार्य जाने का हो रहा है तो जाने की अंग्रेजी क्या हो रही? गो। कहाँ? टू होम, गो टू होम। क्या जी ये मेरा सही है? क्या जी ये मेरा सही है? सही है बताओ? नहीं सही है यार। क्यों नहीं सही? क्योंकि अब आप सब्जेक्ट पे गौर करो, सब्जेक्ट पे गौर करो, है वह, कोई वह बंदा होगा, वह थर्ड पर्सन भी है और एक वचन भी है, वह अकेला है कि नहीं है? वह अकेला भी है और तीसरा बंदा भी है। तो जहाँ पर अकेला और तीसरा बंदा होता वहाँ मेन वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते, तो मैं गोज के साथ लगा दूंगा ईएस। ही गोज टू होम, वह घर जाता है। क्लियर? बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया ना? क्लियर। अब चलिए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की, निगेटिव सेंटेंस की। बिल्कुल भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लेना है, एकदम अच्छे से समझ जाओ, भूलोगे नहीं, ये मेरा दावा है, आप भूलोगे नहीं। क्लियर है ना इतना? अब चलिए हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसों की, निगेटिव सेंटेंसों की। अभी तक मैंने पढ़ा क्या? पढ़ा मैंने अफर्मेटिव, अब मैं पढ़ूंगा निगेटिव। मेरा अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट। देखिए मैंने निगेटिव क्या बताया था, निगेटिव क्या होता है, तो निगेटिव जो होता है उसमें मेरा नॉट आ जाता है, क्योंकि ये भैया मेरी क्या होती है, ये कौन पॉजिटिव थिंग नहीं होती है, निगेटिव थिंग होती है, इसलिए नॉट लगाते हैं, जैसा कि आप सेंटेंसों में पढ़ें। तो इसका सबसे पहले मैं रूल लिखूंगा, सबसे पहले तो भैया सब्जेक्ट ही आता है। अब यहाँ से आपका एस या ई एस वाला झंझट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब यहाँ से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस आपका डू लगेगा, तो डू डज लगेगा, तो डज। फिर आपकी आ जाएगी मेन नॉट, सॉरी नॉट आएगा क्योंकि निगेटिव है, आपका एक नॉट। अब नॉट क्यों लगा? क्योंकि निगेटिव है, अब तो पता है निगेटिव में नॉट तो कंपलसरी है, हो गया नॉट। फिर आपका आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में मेरे आ जाते भैया ऑब्जेक्ट वाले दादाजी, यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पर मेरा। ये हो गया मेरा निगेटिव सेंटेंसों का रूल, क्या होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन, सॉरी नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, दैट्स खलास। समझ गए? आपको एक टेंस के रूल याद करना है, बस एक टेंस के रूल याद करना है, बस आप क्या करोगे, धुआं धुआं हो जाएगा सब, जहर बन जाएगा आपके लिए टेंस। देखिए कैसे, पहला एग्जांपल मैं आप पे लिख रहा हूँ, पहला एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कह दिया वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है। अभी यही सेंटेंस हम लोगों ने, यही सेंटेंस को हम लोगों ने अपने क्या किया था, अफर्मेटिव में सॉल्व किया, तो वहाँ पर नॉट नहीं था। मैं इसीलिए उन्हीं सेंटेंसों को ले रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके, इसीलिए उन्हीं सेंटेंसों को ले रहा हूँ। मैंने कह दिया वह घर नहीं जाता है, जी बनाओ इसको जल्दी से बनाओ जी, तो मैं बना रहा हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या ही। अब मेरा आएगा डू लगेगा कि डज लगेगा, अब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई,
डू लगेगा कि डज लगेगा। तो मैंने बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मेरा डज लगता है। क्या ये मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है? बिल्कुल है। तो मैं ही के साथ क्या लगाऊंगा? डज लगा दूंगा, ही डज। उसके बाद नॉट, तो नॉट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नॉट तो है नहीं, ही डज नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? जाने। जाने का अंग्रेजी क्या होती है? गो। और कहाँ गो? टू होम, यानी कि घर। देखा कितना आसान बन गया हमारे लिए अंग्रेजी सीखना, एकदम आसान है अंग्रेजी, बस प्रैक्टिस देन परफेक्ट, और कुछ नहीं। सफलता मिलेगी कब? प्रैक्टिस करोगे जब। डायलॉग बन गई ना? हाँ बिल्कुल। इसको आप अपने जीवन में उतार लीजिए कि हम बिना प्रयास के कुछ भी नहीं सीख सकते। आपको तो प्रयास करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखिए कुछ बच्चे समझते हैं कि सर आप बोलते बहुत हैं, तो आप सीधा यहाँ पर टॉपिक पे आया करिए। तो भैया हमको भी लगता है, मैं भी बोलता बोलता थक जाता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ क्योंकि अगर विद्यार्थी को सही रास्ते पर कोई बात ला सकती है तो उसको मोटिवेट करके, किसी को मार कर पटक कर जबरदस्ती कर कर उसको आप पढ़ा तो लोगे, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं बन पाएगा। जो बंदा किसी से मोटिवेट होकर अगर जो कार्य करता है तो वो लाइफ में सक्सेस हो जाता है। इस बात को नोट करके रखिए, जब कभी आप सक्सेस हो जाएंगे तब आप याद करेंगे कि हाँ ललित सर ने हमको ये बताया था। आपको मोटिवेट करना पड़ता है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप अपने पथ से हट जाते हो। देखिए जब हम कोई बुरा काम करने लगते हैं, जब कोई हम बुरा काम करने लगते हैं तो जब तक हमको कोई बताता या हमको कोई समझाता नहीं है तो हम उसी रास्ते पर चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। जब हमको कोई समझाता है, जब अच्छे से प्यार मोहब्बत से जब कोई समझाता, तब मैं सोचता हूँ हाँ यार ये बंदा सही बात कह रहा है, इस रास्ते पर ना जाएं, हमारे लिए रास्ता अच्छा नहीं है, ये मेरे जीवन को उन्नति नहीं करा सकता, मेरे को तो वो रास्ता उन्नति करा सकता, हमको उस पर चलना चाहिए। ठीक, तो साथ साथ में आपको मैं मोटिवेट इसीलिए करता हूँ ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट से हट ना पाएं। आप पूरा फोकस यहीं पर लगाइए, पूरा फोकस। गारंटी देता हूँ जिस दिन आप किसी भी वीडियो की, मैं नहीं कहता मेरी ही वीडियो की, किसी भी वीडियो या आप अपने बुक को मन से पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, गारंटी देते हैं जो टॉपिक पढ़ लोगे ना मन से, वो तुम भूल ही नहीं सकते हो, वो भूल ही नहीं सकते हो। क्लियर है इतना? चलिए फिर, चलिए बहुत हो गई बातें, अब उड़ाएंगे गर्दा टेंस का। दूसरा मैंने बता दिया, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, इसीलिए तो काहे नहीं खाते हो भैया, खाया करो। मैं खाना नहीं खाता हूँ, इसको बनाऊँगा कैसे बनाऊँगा? अरे ऐसे तो बनाऊँगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं। और मैं की इंग्लिश क्या होती है बेटा? वो होती है आपकी आई। अब जी आई के साथ डू लगाएं कि डज लगाएं? जैसा कि मेरा रूल कह रहा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद चाहे डज लगाओ चाहे डू लगाओ। तो हम क्या करेंगे, डज लगाएं कि डू लगाएं? जी डू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डज हमेशा बेटा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही लगता है। ये तो मेरा थर्ड पर्सन ही नहीं है सिंगुलर के, तो मार दो गोली, ये तो मेरा फर्स्ट पर्सन, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, तो डू लगाएंगे। आई के साथ क्या लगाऊंगा? डू, आई डू। उसके बाद नॉट, तो भैया नॉट तो आएगा, आई डू नॉट। उसके बाद खाता, और खाने की क्या होती है? आई डू नॉट ईट। क्या होती है? आई डू नॉट ईट, ईट माने होता है खाना, ये खाना नहीं जो बनाते हो, ये खाना जो पेट में जाता है, खाना जब उठा के खाते हो वो खाना, बनाने वाला खाना नहीं। खाना भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होता है बेटा, कंफ्यूज ना होना। अब ये देखो ये खाना आ गया, ये खाना। अब खाना क्या होता है? फूड, आई डू नॉट ईट अ फूड, फूड माने खाना, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट अ फूड। क्लियर? अब एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, अपना निगेटिव खत्म करेंगे। ठीक, चलिए चलिए बिल्कुल बिल्कुल एक और, चलिए यहीं पर कर लेते हैं। तीसरा मेरा बनता है क्या? तुम झूठ बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो,
अब जी क्यों नहीं झूठ बोलते हो? बिल्कुल बोलना भी मत भैया, झूठ बोलना पाप है, झूठ मत बोलना, अब इसको मनाएंगे। तुम की अंग्रेजी क्या होती जी? जी तुम की अंग्रेजी क्या होती जी? तुम की होती है यू। क्या होती है? यू। उसके बाद डज लगेगा कि डू लगेगा? तो भैया डू लगेगा। क्यों लगेगा? क्यों डू लगेगा यहाँ पर? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है, तुम अकेला, ठीक। तो सॉरी यहाँ पर डज लगेगा, डज लगेगा, कंफ्यूजन यू के साथ हमेशा डज ही लगता है। तो यू, उसके बाद आएगा डज, यू डज, उसके बाद यू डज, फिर नॉट आएगा, यू डज नॉट। फिर झूठ बोलने की क्या होती है? टेल। बोलने की होती है टेल, और क्या बोलना? झूठ। झूठ बोलने की होती है टेल, और क्या? टेल अ लाई। यू डज नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो। क्लियर है? इतना क्लियर है? आप क्या करिए, बस आप ये समझ नोट करिए, इसको नोट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये आपके ये जो है ये आपके एग्जाम्पल बुक में नहीं है। आपको अगर मेन कुछ याद करना है तो ये रूल याद करिए बस, क्योंकि सेंटेंस ये नहीं आएगी। सेंटेंस कुछ भी आ सकता है, सेंटेंस आ सकता है तुम नदी में नहाते हो, तुम नदी में नहाते हो, तुम सरोवर में नहाते हो, तुम उस कॉलेज में पढ़ते हो, ऐसे करके सेंटेंस भी आ सकते हैं। आपको तो याद रखना है, बस रूल याद रखो, फटाफट मीनिंग बनाओ और आंसर प्राप्त करिए। क्लियर? चलिए फिर थर्ड सेंटेंस की ओर चलेंगे, जो कि होता है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद लास्ट सेंटेंस होगा हमारा, फिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे समझना है आपको, बिल्कुल एकदम बहुत मन से समझना है बेटा, समझ में आएगा तो आएगा, ठीक। अब हम इतने निगेटिव पढ़ चुके अपना, अफर्मेटिव पढ़ चुके, अब मैं क्या पढ़ूंगा अपना? इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेरा रूल क्या होता है? मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाया था तो बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, तो मेरे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और किस टेंस का है इंट्रोगेटिव? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो वो मेरी होती है डू या डज। सबसे पहले आएगा डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब आ जाता है ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में आएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। ये होता है मेरा इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल। इसी इंट्रागेटिव से हम इसी रूल से अपने सारे सेंटेंस बनाएंगे। और इंट्रागेटिव सेंटेंस जो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम प्रश्न का उत्तर यस या नो में देते हैं, बताया था ना, जिसमें हम उत्तर अपना यस या नो में देते हैं, वो मेरे इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, मैंने पहला नंबर लिख दिया, क्या क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? अब मैंने आपसे पूछा क्या तुम पढ़ते हो, आप बताओगे यस या नो, यही तो बताओगे, यस बताओगे या फिर नो बताओगे। तो जिन्स, और एक हिंदी में पहचानने की बात बता दूं बेटा, हिंदी में तो पहचानना बहुत आसान। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेंटेंस होंगे वो मेरे हमेशा क्या से शुरू होते हैं, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे क्या से शुरू होंगे, इतना याद रखना बस। इंट्रागेटिव जो भी होगा वो मेरा क्या से शुरू होगा। अब इसको रूल के हिसाब से बनाओ, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब डिपेंड किस पे करेगा? वो मेरा सब्जेक्ट पे करेगा। सब्जेक्ट जैसा हेल्पिंग वर्ब वैसी, जैसा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वैसी। सब्जेक्ट कैसा है? तुम के साथ क्या लगता है? डज लगता है, तो मैं सबसे पहले क्या लिख लूँगा? अपना डज लिख लूँगा। क्लियर? अब डज के बाद क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम, डज, यू। उसके बाद नॉट है कहीं इसमें? है ही नहीं है, छोड़ो। मेन वर्ब क्या है? पढ़ता है, डज यू रीड। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ लास्ट में ये चिन्ह नहीं लगाया, पूर्ण विराम लगा दिया था। डज यू रीड, ये बचा चिन्ह, तो ये हो गया मेरा चिन्ह। क्लियर? इतना क्लियर ना? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या राम, क्या राम मैच खेलता है? क्या राम मैच खेलता है? अब आपको इसको बताना है, क्या राम मैच खेलता है?
अब बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, वो डिपेंड करेगी राम के पास, और राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आएगा, तो लगा दूंगा डज। डज फिर क्या आएगा, राम, क्योंकि सब्जेक्ट कह रहा है डज राम। फिर मेन वर्ब खेलना, तो खेलने क्या होती है प्ले, डज राम प्ले, क्या प्ले मैच, डज राम प्ले मैच। लास्ट में ये यहाँ फिर से भूल गए थे हम, लास्ट में ये डज राम प्ले मैच, क्या राम मैच खेलता है, के लिए इतना। अब इसी का एक तुम्हारा पार्ट आता है, वो होता है डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या होता है डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस, चलिए उसको भी देख लेते हैं डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। जल्दी से आप लोग ये स्ट्रक्चर को नोट करिए, फिर डबल इंट्रागेटिव देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक, नोट हो गया ना। अब बात करेंगे डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस की। अब डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या बला है भैया, देखिए मैंने इसीलिए आपको पहले सेंटेंस पढ़ाया, मैंने इसीलिए आपको पहले सेंटेंस पढ़ाया कि आप सेंटेंस सीखोगे तभी तो टेंस सीखोगे, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही भाई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्लियर है ना। वीडियो को लाइक करते बिना करे हुए मत जाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब ये डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जो शब्द डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होते हैं वो मेरे डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं। अब जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको डबल इंटरग्रेटिव सेंटेंस नहीं पता होगा, डब्ल्यू एच फैमिली नहीं पता होगा, तो सुनो आप टेलीग्राम पे चले जाना। टेलीग्राम पे मैंने डबल इंटरग्रेटिव सेंटेंसों की पीडीएफ भेजी है ना, वहाँ से डबल इंटरग्रेटिव सेंटेंस के जितने भी शब्द हैं वो सब इंक्लूड हैं उस पीडीएफ में, उसको आप देख सकते हो। वैसे उतने सेंटेंसों में आपके सामने नहीं आएंगे, बस मामूली से आते हैं, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कब तक, किस तरह, किस लिए, ये सब सेंटेंस मेरे होते हैं डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी डब्ल्यू एच फैमिली। तो इसमें जो अगर हिंदी में बात करूं तो इस सेंटेंसों में जो मेरे सेंटेंस आएंगे उसका जवाब हम विस्तार से देते हैं, किससे तो विस्तार से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया पहला नंबर, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम नहीं यहाँ पर मैं वह लिखूँगा, तुम क्या पढ़, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, मैंने कहा वह क्या पढ़ता है, तब आप बताओगे वह अंग्रेजी में टेंस पढ़ता है, आप यस या नो में नहीं कहोगे। अभी इसी को पूछते हैं क्या वह पढ़ता है, तब आप कहते यस जानो, यही तो कहते हैं। लेकिन मैंने पूछा वह क्या पढ़ता है, तब आप बताओगे वह गणित पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, जो भी पढ़ता है आप उसी को बताओगे। कहने का मतलब डबल इंट्रागेटिव सेंटेंसों में हम विस्तार से बताते हैं, हम विस्तार से बताते हैं बात को, यस या नो में नहीं कहते हैं, यस या नो में हम लोग इंट्रागेटिव में कहते हैं, क्लियर। अब देखिए इसका रूल क्या होता है बेटा, रूल मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ, चलिए रूल पहले इसको साफ कर देते हैं ना, इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग पहले रूल लिख लें, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो रूल होता है सबसे पहले आपका आता है डब्ल्यू एच फैमिली, फिर आपका आता है हेल्पिंग वर्ब डू यानी कि डज, डू डज ही लिख दें नहीं आप समझ नहीं पाओगे, डू या डज। फिर आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट आएगा, अदरवाइज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ये जो होता है मेरा डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल होता है। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ठोक देना, क्लियर है ना। ये होता है डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल। अब इसको बनाएंगे, पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो अभी लिखे थे, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, अब इसको बनाएंगे। अब इसमें देखो डब्ल्यू एच फैमिली वाला कौन सा शब्द है, तो मैंने देखा तो निकला क्या, आपके देखने से कुछ और तो नहीं निकल रहा है, मेरे देखने से तो क्या निकला है, आपके देखने से भी क्या ही निकल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या की अंग्रेजी लिखूंगा, और क्या की अंग्रेजी होती क्या है, तो वो मेरी होती है व्हाट, क्या हो जाती है व्हाट, क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। अब कुछ लोग कहेंगे सर अभी आपने बताया था इससे पहले कि क्या किया जब होता है तब मेरा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगता है इंट्रागेटिव में,
बिल्कुल बताया था। बट बेटा वहां पर जो मेरा सेंटेंस था वो क्या से शुरू होता था, यहाँ क्या बीच में है, इसीलिए मैंने एक डब्ल्यू एच फैमिली वाला है, और रूल में सबसे पहले आता क्या, डब्ल्यू एच फैमिली, तो मैंने डब्ल्यू एच फैमिली लिख दिया। वर्ड अब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड किस पे करेगी, वहाँ पर, वह है मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, डज। वाट डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरा ही, यही तो है। वाट डज ही रीड, पढ़ने की रीड होती है, वाट डज ही रीड, लास्ट में ये चिन्ह लो कंप्लीट हो गया। वह क्या पढ़ता है, वाट डज यू रीड, ही रीड, वह क्या पढ़ता है। एक और एग्जाम्पल अपना सॉल्व करेंगे, एक और एग्जाम्पल, मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, क्या होती है, व्हाई, सबसे पहले मैं लिखूंगा व्हाई, उसके बाद क्या आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली आ गई। अब डूडस डिपेंड किस पे करेगी, सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट मैं हूँ, मैं के साथ क्या लगता है, डू, वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई, ऊपर आप देखते जाना साथ में रूल को, वाई डू आई, उसके बाद क्या नॉट है कहीं, नहीं है, मेन वर्ब लगा दो, खाना, खाने क्या होती है, ईट, और लास्ट में मेरा आ गया साइन ऑफ इंट्रोगेशन, बेटा कंप्लीट हो गया। वाई डू आई ईट, मैं क्यों खाता हूँ, पता नहीं मैं क्यों खाता हूँ, क्या है मेरे बस में। तो फाइनली हमने क्या सीखा आज, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब एक बार इसका रिवाइज करेंगे एकदम जोर और थोड़ से, पूरा एकदम झकास, है ना, अनिल कपूर की डायलॉग, चलिए एकदम स्टाइल सीखेंगे। सबसे पहले मैंने सीखा का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता क्या है, तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, आज सब जाते हैं, वो मेरे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होते हैं। ये हो गई मेरी रटने वाली बात और समझने वाली बात, आत्मा की बात, इसमें कार्य पक्का नहीं है, क्लियर। सबसे पहले मैंने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आई एस, ई एस या आई एस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है, उसका रूल होता है। उसके बाद आ गया मेरा इंट्रागेटिव, निगेटिव, निगेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रागेटिव आए, इंट्रागेटिव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट नॉट, फिर आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, फिर बढ़ा डबल इंट्रागेटिव, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो फाइनली मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को सीख लिया है, सीखा ना। अब गिन के आपको चार एग्जांपल देना है, आपको चार एग्जांपल दूंगा जिसका आंसर आपको कहाँ भेजना है आप जानते हो, क्लियर ना। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने जिसको कह लें होमवर्क की। अब हम लोग अपने होमवर्क देखेंगे, आपको चार सेंटेंस देंगे, चारों सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करके बताना है इंग्लिश में, ठीक। पहला पहला, राम घर जाता है, राम घर जाता है। दूसरा, सीता नहीं नाचती है, सीता नहीं नाचती है। और तीसरा बन गया आपका, क्या मम्मी खाना बनाती हैं, क्या मम्मी खाना बनाती हैं। और चौथा आपका आ जाएगा, क्या तुम कहाँ जाते हो। चार एग्जाम्पल आपको दिए हैं, चारों के इंग्लिश आपको बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब भी करना लाइक, अगर अच्छी नहीं लगी है तो छोड़ के चले जाना। वैसे दो बंदे तो मेरे ऐसे वीडियो पर आते हैं जो मेरी वीडियो हमेशा अनलाइक ही करते हैं, कोई होंगे दो बंदे यार, पता नहीं, वो हमेशा अनलाइक ही करते हैं। कभी कभी तो प्राइमर पड़ा रहता है, वीडियो स्टार्ट भी नहीं होती, अनलाइक करके ठोंक के चले जाते हैं, क्लियर है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।